दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा न्यू सिम में 5G कैसे चलाएं। अगर आपको न्यू सिम में 5G चलाना है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे आसान और सबसे सही तरीके से बताऊंगा कैसे आप अपने जियो के न्यू सिम में 5G चला सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने फोन में जियो का सिम डाल लेते हैं। अभी यहाँ पर एयरटेल सिम लगा हुआ है और एयरटेल सिम में यहाँ पर 4G नेटवर्क अभी आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अपने सिम को अब हम यहाँ पर पैकेट से निकाल लेते हैं। और हमने यहाँ पर अब अपना सिम निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर अपने फोन में सिम को डाल लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पहले फोन की ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। और ये हमारा नथिंग फोन है, हमने यहाँ पर अपनी जो ट्रे है इसे बाहर निकाल दिया है। और हमें अपना 5G सिम 1 में लगाना है, और मैंने यहाँ पर ये 1 स्लॉट में लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो ट्रे है उसे फोन में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने फोन में 5G सिम डाल लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माई जियो। जैसे आप यहाँ पर माई जियो सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माई जियो का जो ऐप है वो आ जाएगा। आपको माई जियो ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर माई जियो ऐप को ओपन करेंगे, और जब आप यहाँ पर माई जियो ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जियो नंबर डालना है, तो हमारा जो न्यू जियो नंबर है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर अपना न्यू जियो नंबर डाल लिया है, और अब हम यहाँ पर लॉग इन पर टच कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन वगैरह अलाउ करनी है, तो हम यहाँ पर मैसेज की परमिशन इसे अलाउ कर देते हैं। अब आपके न्यू मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और हमारे फोन ने ऑटोमेटिकली हमारा जो OTP है वो ले लिया है। अब फर्स्ट टाइम आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोसीड पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई जियो ऐप को लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माई जियो ऐप हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो डेली डाटा यूसेज लिमिट है वो यहाँ पर 1.5 GB है, और हमारा जो 5G प्लान यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके साथ में ही अनलिमिटेड आया है। अनलिमिटेड प्लान को आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली न्यू सिम में 5G का अनलिमिटेड प्लान एक्टिवेट होता है। और अब आपको माई जियो ऐप में ऊपर सर्च पर टच करना है, और आपको यहाँ पर सर्च करना है 5G। और 5G यहाँ पर सर्च करने के बाद आप यहाँ पर डिवाइस कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है 5G कवरेज चेक। आप यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आपकी जो स्टेट है उसमें 5G अवेलेबल है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं, और यहाँ पर हम अपनी स्टेट उत्तराखंड सिलेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर उत्तराखंड सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद उत्तराखंड में जिस जिस सिटी में 5G अवेलेबल है सभी सिटी के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर देहरादून के पास रहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देहरादून अवेलेबल है, और यहाँ पर जिस लोकेशन में रहता हूँ उस लोकेशन में 3G सेवा अवेलेबल है। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, और अब आपको यहाँ पर ट्रू 5G पर टच करना है। आपके सामने अगला पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चेक 5G पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम ऑफर हमारा सही है, और हमारा जो हेडसेट कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पर सही है। और अब यहाँ पर हमसे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर अपने फोन में अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट नाउ पर टच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही अपडेट है। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और दोबारा हम यहाँ पर चेक 5G पर टच करते हैं। अब की बार हम यहाँ पर आई हैव अपडेटेड पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एरर आ रहा है वो आ रहा है हेडसेट 5G सेटिंग। अब हमें अपने फोन की 5G सेटिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर गो टू सेटिंग पर टच करने के बाद अपने फोन की सेटिंग में आ चुके हैं। आप यहाँ पर नॉर्मल अपने फोन की सेटिंग को उस तरह ओपन कर सकते हैं जिस तरह आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग को अब ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, और अब यहाँ पर आपको इंटरनेट पर टच करना है। इंटरनेट पर टच करने के बाद हमारे दोनों सिम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारा जियो सिम एयरटेल सिम दोनों सिम हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने न्यू जियो सिम पर टच कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। पहले तो आपको यहाँ पर रोमिंग को इनेबल कर देना है। इससे होगा क्या, जब हमारा फोन रोमिंग में होगा तब भी हमारा 5G वर्क करेगा। और उसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक बार टच करना है, और यहाँ पर आपको 5G सेट कर देना है। और यहाँ पर आपको स्मार्ट 5G सेटिंग है इसे एनेबल रखना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग मिल जाएगी, आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क पर टच करना है। यहाँ पर अब जियो 5G लिखा हुआ आ चुका है, और हमारे मोबाइल ने भी अब जियो 5G नेटवर्क पकड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर जियो ट्रू 5G पर टच करते हैं, और अब हमारे फोन में 5G नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर नीचे एक और सेटिंग दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चूज नेटवर्क सेटिंग। अब बाय चांस अगर आपका फोन 4G नेटवर्क पकड़ लेता है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क पर टच करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर चूज नेटवर्क पर टच करने के बाद ही अपने फोन से 5G नेटवर्क पकड़वा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे न्यू जियो सिम में 5G चल चुका है। इस तरह आप न्यू जियो सिम में 5G चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल टेक्निकल दिलजाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।